टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। देश में भले ही अनलॉक की प्रक्रिया में धीरे धीरे वापस बढ़ रहा है, पर लॉकडाउन अभी भी पूरी तरह से हटा नहीं है। लॉकडाउन में एक शहर से दूसरे शहर या राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए पुलिस कलेक्टर या अन्य सरकारी विभागों की परमिशन जरूरी होती है। इसके लिए ज़रूरतमंद लोगों को ई पास दिए जाते हैं, लेकिन ई पास के नाम पर कुछ ठग रोजाना हजारों रुपए कमा रहे हैं। सीनियर इंस्पेक्टर अशोक खोत और नितिन पाटिल की टीम ने ऐसे ही चार लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए आरोपियों ने मुंबई पुलिस के DCP के नाम पर फर्जी ई पास बनाए थे। इन्हीं के पास एक कलेक्टर के असली पास भी मिले हैं। इस कलेक्टर ऑफिस के कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं, इसका अंदेशा भी लगाया जा रहा है। क्राइम ब्रांच ने इस रैकेट को पकड़ने के लिए एक ग्राहक तैयार किया है। आरोपी ने उसे ई पास मुंबई के बाहर के एक कलेक्टर ऑफिस से जारी किया है। यानी आरोपियों की पहचान टूर और ट्रेवल्स बिजनेस से जुड़े हैं और एक आरोपी फोटोशॉप चलाता है। और दूसरी खबर हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के जलगांव जिला जेल से 3 कैदी गार्ड को हथियार दिखाकर फरार हो गए। कैसे फरार हुए वो हम आपको बता रहे हैं। जलगांव जिले में ये जेल है, इसी जेल में कैदी बंद थे और कैदी गार्ड को हथियार दिखाकर जेल से चंपत हो गए। इस जेल के बाहर पहले से उनका एक साथी बाइक लेकर तैनात था और कैदी पीछे के दीवार से छलांग लगाकर वो सीधा बाइक पर बैठे और वहाँ से फरार हो गए। और कुछ तस्वीरें भी सामने आई है जो बाइक से तीनों आरोपी सवार हैं और वो जा रहे हैं, उसकी वीडियो भी हम दिखा रहे हैं आपको, आप देखें। यानी कि बिल्कुल फिल्मी अंदाज में कल सुबह 7:30 बजे जेल से भागने में सफल हुए हैं। लेकिन अब इन कैदियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है और हर इलाके में नाकाबंदी किया गया है और पुलिस का दावा है इन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। सवेरे 7:25 के दरमियान मध्यवर्ती कारागृह जलगांव, यहां पर 3 बंदी आरोपी सागर पंडित पाटिल, गौरव पाटिल, उसके बाद में सुशील अशोक मगरे, ऐसे 3 आरोपी ने इस वजह से आज जिला पेट पुलिस थाने में गुना दाखिल किया है। भागे हुए कैदियों की तस्वीर है। गौरव पाटिल और सुशील अशोक मागरे ये लोग जेल से भागने में सफल हुए हैं। हम आपको बता दें, इस जलगांव जेल में 418 कैदी हैं और 418 कैदियों को संभालने के लिए पुलिस कर्मियों की तादाद 32 है। कुछ तो छुट्टी पर हैं, कुछ क्वारंटाइन हो चुके हैं, गिने चुने कुछ ही कर्मचारी बचे हुए हैं जो यहाँ पर देखभाल कर रहे थे। उस पर भी कैदियों ने हथियार दिखाकर जो है वो पीछे के दीवार से छलांग लगाकर फरार हो गए हैं, जिसकी तलाश जारी है। और जलगांव पुलिस जो है कई टीमें बनाई हुई है और उन्हें जो है उन आरोपियों को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश में जुटी है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।